स्वागत है आपका, आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी के काले कारनामे जनता जानती है। उन्होंने गैंगरेप आरोपी मोहित खान और नवाब यादव का जिक्र करते हुए कई तीखे बयान दिए। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए सीएम योगी ने कैसे उपचुनाव के रण को और भीषण बना दिया है, उसको आप समझ पाए। गुंडागर्दी की पहचान थी। क्या बेटी की सुरक्षा पर कुछ बोलने का अधिकार है? तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका इतिहास। लेकिन तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में। मुद्दा रोजगार और विकास का है, लेकिन निश्चित पार को मुद्दा बना चुके हैं। कर पैदा करना इनकी पहचान थी। लोकसभा और टारगेट पर अखिलेश यादव, क्योंकि जिन समाजवादियों पर गैंगरेप कार और डर में यूपी की जनता अराजकता और गुंडागर्दी से परेशान थी। और कैसे की छाते लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बात तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा। लाल जाने जाते हैं। पहले बीजेपी ने लाल टोपी वाले गुंडों की उपाय, यानी इस उपचुनाव में मुकाबला रोजगार बनाम गुंडागर्दी पर आ चुका है। मिशन रोजगार के तहत चार जिलों में रोजगार मेला, तो दूसरी तरफ एसपी नेता मोहित पर गैंगरेप का आरोप चर्चा में है। चुनावी जिलों में 30,000 से ज्यादा बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, तो कन्नौज में पूर्व एसपी नेता नवाब पर रेप का आरोप अब चुनावी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ सीएम योगी ने कहा कि जिस तरह सीएम योगी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सरकार में फर्क बता रहे हैं। लाल टोपी से मुख्यमंत्री जी इतना डरते क्यों? और आप किल की बात बोल रहे हैं, की बात कर रहे हैं? काली टोपी तो आजकल सबसे बड़े अपने आप का दावा कर, काली टोपी वही लगा रहे हैं। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निशाना कहीं और है। लेकिन जिस तरह सीएम योगी खुद मोर्चे पर हैं, अखिलेश यादव पर डायरेक्ट निशाना साध रहे हैं, तो तय है भीषण होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मायावती पांचवी बार अपना दायरा बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती का वोट बैंक बीजेपी और समाजवादी देश के कई राज्यों में पार्टी का दबदबा और पांच बार की पार्टी अध्यक्ष मायावती को देश में बीएसपी अपने अस्तित्व को बचाने की जद्दोजहद कर रही है। बेशक पांचवी का वोट प्रतिशत 9% पर पहुंच चुका है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में बीएसपी 10 सीटों से शून्य पर पहुंच चुकी है। उत्तर बैक टू बैक चुनाव में पार्टी का खराब प्रदर्शन अब मायावती को टेंशन दे चुका है। मायावती चाहती हैं खुद मैदान में बनी रहें, यानी मायावती कल भी थी, आज भी हैं, 2029 तक भी रहेंगी। दरअसल यूपी में बीएसपी का उभरता चेहरा आकाश आनंद को पहले तो मायावती ने मैच्योर मानने से इनकार कर दिया, लेकिन चंद्रशेखर के राजनीतिक उभार के बाद अब उसी आकांत को 47, जिस पर धीरे धीरे चंद्रशेखर आजाद की पकड़ मजबूत होने लगी है। लेकिन उसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पति अलग रणनीति, कड़ी चुनौती के दौर से गुजर रही है, जहां पर लोकसभा में एक भी सीट नहीं है, उत्तर प्रदेश भी है, विधानसभा में एक विधायक है उनकी पार्टी का, उनका वोट शेयर किसी जमाने में 30% के करीब होता था, जो खिसक कर 9% जा पहुंचा है। तो मायावती की अभी कोशिश चंद्रशेखर भीम आर्मी वाले उनकी चुनौती से लेकर अपने अस्तित्व को बचाने की चुनौती, ये तमाम ये संकट के दौर हैं। आपने देखा होगा कि बहुजन समाज का, बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से, अभी बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है 19% था, लेकिन आज की तारीख में वो घट करके हमें लगता है 8-9% हो गया है। वो इस के लिए अपने पीडीए के लिए कभी जो है वो आंदोलन करते या उनकी आवाज उठाते नहीं दिखती। वैसे तो कि पिछले 21 साल से पार्टी का कुशल प्रबंधन मायावती चला रही हैं, लेकिन पार्टी के वोट प्रतिशत। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी है। रायबरेली में हुई अर्जुन पासी की हत्या कर उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। साथ ही ये भी कहा कि गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित दलित समाज में डर का माहौल है। चिट्ठी लिखने से पहले राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मुलाकात भी कर चुके हैं। आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने रायबरेली के
अर्जुन पासी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है, जिससे पीड़ित दलित परिवार को न्याय से वंचित रखा जा रहा है। शनिवार को लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और उसी दिन टिकट फाइनल होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि समाजवादी कठुआ हीरा कि जो लोग इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं उन्होंने हमारे साथ संपर्क किया और हमने 10 लोगों की लिस्ट जो फाइनल की है उसके लिए हम समाज लखनऊ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हमने समय लिया है। अखिलेश यादव जी ने हमें परसों के लिए समय दिया है। हम उनके साथ चर्चा इन कैंडिडेट्स के नामों की चर्चा करेंगे। कानपुर में सीएम योगी ने 412 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, साथ ही रोजगार मेले की शुरुआत भी की। इस दौरान सीएम योगी ने युवाओं को भरोसा दिया कि अगले 2 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो भी सरकारी भर्तियां हो रही हैं उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया जा रहा है। होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार का लक्ष्य दिया है, 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को जो प्रदेश के अंदर निवेश के प्रस्ताव आए हैं और उन्हें हम आज शिलान्यास के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ नौजवानों के लिए यहां पर हम नौकरी देने जा रहे हैं और 50 लाख नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से स्वतः रोजगार की योजना के साथ जोड़ने के बड़े कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। खबर अयोध्या से। भगवान रामलला के भक्तों को राम मंदिर ट्रस्ट लगातार बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश में जुटा हुआ है। राम मंदिर ट्रस्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें राम भक्तों को हेल्पलाइन नंबर से सभी तरह की जानकारियां मिल पाएंगी। रामलला के भक्तों के लिए इमरजेंसी पास भी राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। जो भी राम भक्त प्रभु राम के जल्दी दर्शन करना चाहते हैं वो ट्रस्ट कार्यालय में जाकर इमरजेंसी पास बनवा सकते हैं। ये मिलेगी हमारे हेल्पलाइन नंबर संपर्क करने से दर्शन के समय सारणी, आरती का समय सारणी, पास की व्यवस्था, व्हीलचेयर की व्यवस्था, दर्शनार्थियों को सभी रीति से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनको समस्याओं को सुलझाने का मार्ग मिल जाएगा, इसलिए हमने हेल्पलाइन जारी किया है। राम मंदिर ट्रस्ट राम भक्तों को अब एक और बड़ी सौगात देने जा रहा है। रामलला के दर्शन को लेकर अब इमरजेंसी पास जारी किए जाएंगे। ये प्रत्येक 2 घंटे पर 50 पास इमरजेंसी सुविधा के लिए जारी किए जाएंगे जिसके अंतर्गत 50 लोग 2 घंटे में इमरजेंसी में रामलला का दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा सुगम दर्शन पास और विशिष्ट दर्शन पास की अभी तक व्यवस्थाएं थीं। अब राम मंदिर ट्रस्ट सुगमता को देखते हुए, राम भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए 50 पास इमरजेंसी पास जारी करेगा। इसके अलावा रामलला के दर्शन अवधि की जानकारी, आरती की जानकारी के साथ साथ तमाम और जो श्रद्धालुओं से जुड़ी हुई मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों को और भी बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल पाएं इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट और योगी सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रामलला के भक्तों के लिए शुरू होने वाली सुविधाओं का उद्घाटन किया। एक कंपनी की ओर से 10 एम्बुलेंस दी गई हैं। राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में ये एम्बुलेंस 24 घंटे मौजूद रहेंगी, जहां पर एस सिग्मा कंपनी की ओर से इलाज की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज प्रभु ने कृपा की है, हमने प्रभु रामलला का दर्शन किया, अपने आराध्य हनुमान जी महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। मैं पूरे प्रदेश के लोगों की सुख संपत्ति वैभव की कामना करता हूँ। देखिए, अयोध्या की सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है।
नित नए डेवलपमेंट होंगे। आज मेयर साहब से भी बात हुई है और कुछ अच्छा होगा, मैंने उसमें बोला है, बहुत ही दुखद है और वहाँ की सरकार को इसका खामियाजा ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। हम लोगों ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, हर स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम संपन्न